इंशाल्लाह हम लोग शुरू करते हैं सही बुखारी। अच्छा किसी को याद है ये पिछला हमने क्या किया था, थोड़ा सा याद है तो बता दें, चलें कौन बोलेगा। मतलब जैसे उन लोगों ने सवाल किया था कि दुनिया अपने आप कैसे क्रिएट, मतलब कोई इसका मालिक नहीं है, तो उसके बारे में हमने डिस्कस किया था कि जैसे उन्होंने एग्जाम्पल दिया था कि नाव अपने आप का वो तैयार होने वाला, तो उसके ऊपर था हम लोगों का। जी बिल्कुल हाँ जी। और वो उन्हें जिनको एथियस मानते नहीं है, तो उन इमाम ने क्या कहा था, जी जो एथियस जो होते हैं वो मानते नहीं है ना कि वो अल्लाह। एथिस्ट थे, वो मानते नहीं थे, उन्होंने उनको टाइम दिया था, वो 1 घंटा लेट पहुंचे, तो उन्होंने कहा कि मैं आने वाला था लेकिन रास्ते में नदी थी, फिर झाड़ अपने आप कटा, बोट अपने आप तैयार हुई, और फिर वो, तो बोले ये कैसे हो सकता है कि सब चीज अपने आप हो, ऐसा हो नहीं सकता है। तो उन्होंने इसकी ऐसी दलील दिए थे, तो उन्होंने फिर वो एथिस्ट का ये दलील से वो लोग सारे चुप हो गए थे फिर। जी हाँ वो चुप हो गए थे, कितनी अच्छी उन्होंने दलील दी थी। तो इंशाल्लाह हम उससे आगे चलते हैं, हदीस नंबर 415 to 417 करेंगे इंशाल्लाह आज हम लोग। तो नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फाउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बी इश्राहली सदरी व यस्सिरली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली, रब्बी ज़िदना इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क्किहना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा 'अल्लमतना वअल्लिमना मा यन्फ़उना वज़िदना इल्मा। तो हम इंशाल्लाह शुरू करते हैं, तो थोड़ा सा एको चले, तो शुरू करते हैं हम लोग ना हमारी हदीस नंबर 415 से। मोहम्मद के माँ बाप आला इब्राहिम। अल्हम्दुलिल्लाह लजीन अहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फाऊद बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बी इश्राहली सदरी व यस्सिरली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली, रब्बी ज़िदना इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क्किहना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा 'अल्लमतना वअल्लिमना मा यन्फ़उना वज़िदना इल्मा। हमारी जो पिछली हदीस थी उसमें ये था कि वो आखिर में ये था ना कि वो हदीस ये थी कि आप शुरू हुए बदुल खल्क, हम लोग पढ़े ना सही बुखारी किताब बदुल खल्क, तो वो शुरू हुए जन, तो वो कहते कहते जन्नत दोजख तक अल्लाह के रसूल सल्लम पहुंच गए, तो किसी ने कहा उनसे, किनसे कहा, कौन सा साहबी थे, हाँ जी इमाम हुसैन से कहा, का हाँ इमरान बिन, हाँ इमरान बिन हुसैन से कहा कि अरे वो तुम्हारी ऊँटनी भाग गई, तो वो कहते हैं कि मैं चला गया तो मुझे लगा कि वो तो दूर निकल गई सराब तक, यानी रेगिस्तान में बहुत दूर, इतना दूर कि रेत पे हमें गुमान होता है कि जैसे चमकती है ना रेत, तो लगता है सहरा में इतनी दूर निकल गई, सराब लगा मुझे पानी का गुमान होता है, हालांकि वो धोखा होता है पानी नहीं होता, इतनी दूर निकल गई तो मैं इतना पछताया कि काश मैं आप रसूल अल्लाह सल्लम की महफिल से ना उठा होता और सब सुनता रहता। तो उमर रदी अल्लाह तआला ने भी फरमाते हैं कि यही हदीस उन्होंने भी रिवायत की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदुल खल्क के तख्लीक की इब्तिदा कैसे भी सब बताते बताते जन्नत दोजख तक पहुंच गए, और वो इस तरह जो है वो सहाबी को आवाज लगाई गई जिनका नाम था इमरान बिन हुसैन, और वो चले गए, और फिर क्या हुआ कि वो एक इतनी अच्छी बात करते हैं कि जब अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जब बहिश्त वाले अपने ठिकाने और दोजख वाले अपने ठिकानों में दाखिल होंगे तो किसी को याद रहा किसी को ना याद रहा, तो इससे हमें पता चलता है महफिल में दो तरह के लोग होते हैं, भूलने वाले और याद करने वाले, तो हमें अल्लाह ताला हमें याद कर रखा है सब ना, हमारा हाफ़ज़ा अच्छा करे और हम अल्लाह ताला याद रखने वाले हों। तो किताब सही अल बुखारी, वो सही अल बुखारी किताब बदुल खल्क, तो अब बदुल खल्क में हम पढ़ रहे हैं हदीस नंबर 415। आप लोगों के पास जो भी नंबर हो पूरा, हाँ ठीक है। हदसना अब्दुल्ला इब्ने अबी शैबता अन अबी अहमदा अन सुफियाना अन अबी जनादी अन अलआरजी अन अबी हुरैरता रदी अल्लाहु अन्हु काला काला रसूलुल्लाही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काला अल्लाहु ताला। ये हदीस जो है इमाम बुखारी ने अब्दुल्ला बिन उबै शैबा से ली है, और इसके रावी हैं सहाबा में से कौन रावी हैं, अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु रावी हैं, यही देख रहे हैं ना आप लोग, जी अबू हुरैरा। तो वो फरमाते हैं कि आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया काल अल्लाह ताला, के अल्लाह ताला ने अल्लाह ताला फरमाता है यश्तिमोनी इब्नु आदमा वमा यम्बगी लहू आ यश्तिमनी वयुकद्दिबनी वमा यम्बगी लहू,
कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि आदम का बेटा मुझे गालियां देता है, यानी मुझसे बेअदबी करता है, उसको ये मुनासिब ना था, और मुझको झुटलाता है, उसको ये मुनासिब ना था। अब उसका गाली देना और छुटलाना, झुटलाना क्या है? अब आगे फरमाते हैं ये हदीस में कि अमा शतमहु फकूलु इन्ना ली वलदन व अम्मा तकजीबहु फकूलु लैसा युईदुनी कमा यदानी कमा बदानी, सॉरी बद है ना, बदुल खल्क बदानी होना चाहिए। तो फरमाया अल्लाह ताला ने कि गालियां देना, उसका ये गालियां देना ये है कि वो कहता है कि मेरी औलाद है। अब उसको ये ब्रैकेट में लिखते हैं कि जैसे नसारा ने हजरत मसीह को अल्लाह का बेटा बनाया, और जो है मुशरिक जो है फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां बनाई, और उन्होंने कहा कि जुबैर इब्न अल्लाह, वो भी ये भी सही फरमा रही, ये भी सही करी। तो ये अल्लाह क्या है कि अल्लाह को गालियां देना है, ठीक है ना। और उसका झुटलाना ये है कि वो कहता है अल्लाह दोबारा मुझको पैदा नहीं करेगा जैसे पहली बार पैदा किया है। तो ये अल्लाह ताला को बहुत बुरा लगता है कि उसके रिश्ते कायम करना, तो उसको गालियां देना है, और ये कहना कि अल्लाह दोबारा मैं पैदा नहीं करेगा, कयामत नहीं होगी, अल्लाह मुझे मरने के बाद दोबारा नहीं उठाएगा। तो वो ऐसा ही है कि वो मुझे झुटलाता है, मुझे देखिए ना अल्फाज है ना, तकज़्ज़िबुनी है ना, मुझे झुटलाता है या झूठ बोलता है ना, किस झूठ को भी कहते हैं ना। तो ये है, तो आपको पता है कि इतनी ये शदीद चीज है, या तो इसको गाली अल्लाह को गाली बकना है या उसको झुटलाना है, तो ये कभी नहीं कहना चाहिए। और मौत पे और आखिरत पे तो ईमान है, मुत्तकियों की सिफात बताई गई सूरह बकरा में आ है ना, लज़ीना यूमिनूना बिलगैब यकीमूना सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युन्फिकून, गैब पे ईमान रखते हैं, आखिरत पे ईमान, और आखिर में है कि आखिरत पे भी ईमान रखते हैं, वबिल आखिरति हुम यूकीनून। उसके बाद है दूसरी हदीस है हमारी, हम इसको देखते हैं। अच्छा, हद्दसना कुतैबा इब्न सईद, हद्दसना मुगीरतु इब्न अब्दुर्रहमान अल-क़रशी अन अबी ज़नादी अन अल-आरजी अन अबी हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु, इसके भी रावी अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु हैं। तो अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं के काला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया लम्मा कदल्लाहुल खल्का कतबा फी किताबी फहुवा इंदहु फौकल आर्शी इन्ना रहमती गलबत गदबी, के जब अल्लाह ताला सब पैदा कर चुके, क्या है सारा कुछ तख्लीक कर चुके ना, आसमान जमीन वगैरह, तो उसने अपनी किताब, अल्लाह की किताब कौन सी, लोहे महफूज में, लोहे महफूज में जो उसके अर्श पर, अर्श के पास है, अर्श पर है, ये लिखा कि मेरी रहमत मेरे गुस्से पर गालिब है। अल्लाह ताला कहते हैं कि मेरी रहमत मेरे गजब पे सबकत ले जाती है, गालिब आ जाती है। तो अल्लाह की रहमत पे हमेशा भरोसा करना चाहिए। और जो हम जो है ना, हम सोचते हैं कि मैं बहुत अच्छी नमाजें, बड़े अच्छे नेक अमल हो गए, तो अमल के अलावा भी ना अल्लाह ताला जो है ना अपनी रहमत से जन्नत में बिल्कुल है, क्योंकि अल्लाह ताला ने जन्नत को इंती मिन रहमती, एक आदमी था बड़ी रियाजतें बड़ी इबादतें करता था, तो अल्लाह ताला ने उसको फरमाया कि तुम जन्नत में नहीं जाओगे। कहते अल्लाह मेरी रियाजतें मेरी इबादतें, मैं तो इतना नमाजी था, इतनी इबादतें करता था, इतनी रियाजतें करता, तो अल्लाह ने फरमाया कि वो सुबह सुबह तुम जो एक लाल लाल सेब खाते थे ना, वो उसके बस काफी है, ये आता है रिवायत में, ठीक है। फिर वो तो बंदा तो है ना कहता ही रहता है, तो अल्लाह ने कहा नहीं चलो मैं तुम्हें जन्नत दे दी। उसके बाद एक और रिवायत में आता है कि तुम्हारी एक आंख थी ना, वो कहता है मेरी इतनी रियाजतें इतनी इबादतें, तो अल्लाह ताला फरमाते कि वो एक आंख है ना, एक आंख, दो नहीं, दो दी है ना अल्लाह, जिसे तुम देखते हो ना वही काफी थी, मतलब इतनी इबादत। तो हमारी इबादतें, हम बहुत सारे क्लासेस में आने लगे, या हमारा इल्म बढ़ जाए, शोहर से बढ़ जाए, दोस्तों से बढ़ जाए, पड़ोसनों से बढ़ जाए, बहन भाइयों से बढ़ जाए, जब महफिलों में जाते हैं तो इल्म भी बढ़ जाता है, तो कोई गर्रा और गुरूर और नहीं होना चाहिए। फिर जब इल्म बढ़ता है तो इबादतों में भी खुशू खुजू आने लगा है, सूरतुल फातिहा का मतलब भी आ गया है ना, छोटी सूरतें भी कर रहे हैं, तो अब समझ के पढ़ रहे होते हैं। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि अब मैं जो है किसी चीज़ पे गुरूर फख्र नहीं होना चाहिए कि इबादत अच्छी हो गई, इल्म मुझे बहुत आ गया, और मुझे तो बहुत वो, क्योंकि यही बात आ गई ना, वो अल्लाह ने कहा उसको कि एक सेब काफी था या एक आँख जो है। तो हमेशा अल्लाह की रहमत पे नजर रखना चाहिए, यही चीज इस हदीस में बताई गई कि मेरी रहमत मेरे गुस्से पर गालिब आ जाती है। अल्लाह की रहमत इतनी वसी, वो पढ़ते ना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम, अर्रहमानिर्रहीम दोनों का आपको पता है ना, दोनों का रूट वर्ड रहमीम है, लेकिन दोनों के मीनिंग अलग होते हैं, ठीक है ना। तो कोई बताएगा क्या अर्रहमानिर्रहीम का मतलब?
अल्लाह ताला बहुत मेहरबान और बार बार रहम करने वाला है। रहमान क्या है? रहम करने वाला। तो रहमान और रहीम राह हमीम इसका रूट वर्ड है। रहमान की सिफत ये है अल्लाह की के वो बैरियों को, काफिर को, मुसलमान भी जो अल्लाह को नहीं मान के चल रहे हैं, उसकी हदें तोड़ रहे हैं, उनको खाना भी, रिस्क भी, बच्चे भी, शौहर है, हर चीज रिस्क में आती, सब दिया हुआ है, ठीक है, क्योंकि वो बार बार, वो क्या है, रहमान और रहीम है ना, बार बार रहम करने वाला और रहीम हमेशा रहे। और रहीम उसकी वो सिफत है कि कुछ मुसलमान जो मुत्तकियों के, मुसलमानों के साथ वहां तक जाएगी, मोमिनों के साथ, कि कुछ लोग ऐसे गुनाह होंगे कि वो जो सजा के मुस्तहिक हो जाएंगे, तो अल्लाह ताला कुछ लोगों को दोजख में डाल देंगे, मुसलमान भी दोजख में जाएंगे। तो लेकिन अल्लाह ताला की जो रहमान और रहीम हम बोलते हैं ना, तो रहीम वो सिफत है कि वो आखिरत तक जाएगी, और अल्लाह ताला जो है, जो जहन्नुम में चले गए कुछ मुसलमान लोग, अपने गुनाह की पादाश के मुताबिक उनको सजा मिलेगी, फिर वो जन्नत में अल्लाह ताला उनको डाल देंगे, एक नहर में उनको डुबकी दी जाएगी, उनको नहर में डुबोया जाएगा और फिर वो दोबारा जन्नत में चले जाएंगे। तो ये रहीम वो है कि क्या है, हमेशा रहम करने वाला, ठीक है ना, वो खास मुसलमानों के लिए। तो रहमान और रहीम की ये डेफिनेशन वो इस तरह समझा जाता है, रहमान रहीम को इस तरह समझाया गया है, उलमा ने इस तरह समझाया है। उसके बाद हम देखते हैं कि अब आप ये हदीस नंबर आप 406 अभी जो पढ़ी, तो उसमें आप देखते हैं कि इसका अर्श का जिक्र आ गया, लोहे महफूज का जिक्र आ गया, तो चूंकि ये भी अल्लाह की क्रिएशन है ना, हम किताब बदुल खल्क पढ़ रहे हैं कि द बुक ऑफ क्रिएशन, कि अल्लाह ताला ने तख्लीक की इब्तिदा कैसे की, ठीक है ना, तो ये बहुत बड़ी चीजें हैं, अल्लाह ताला की बहुत बड़ी तख्लीक है, लोहे महफूज और अल्लाह का अर्श जो कि पानी पे है ना, सातवें आसमान पे, तो अल्लाह की बड़ी बड़ी निशानियों में से है, और इनका मर्तबा अल्लाह के करीब बहुत बड़ा है, क्योंकि अल्लाह के करीब है ये दोनों चीजें, अर्श और लोहे महफूज। अर्श पे तो अल्लाह का, अर्श पे पानी है और उसके ऊपर अल्लाह का तख्त है, ठीक है ना, और लोहे महफूज भी करीब है, तो इस वजह से इनका बड़ा मर्तबा है, किसका, अर्श का और लोहे महफूज का, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं कि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस आई है, तो अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक दफा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कौन खुश नसीब होंगे जिसकी आपकी शिफात जिसको हासिल होगी, कौन खुश नसीब होंगे जिसको आपकी शिफात हासिल होगी, तो अल्लाह के रसूल यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उन्होंने पूछा ना कि किसको आपकी शफात का शर्फ हासिल होगा, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे मालूम था कि ये सवाल तुम्हारे सिवा कोई नहीं करेगा। अबू हुरैरा तो इतने हरीस थे ना, क्या वो रिवायत भी है ना कि अबू हुरैरा तो बस लगे ही बैठे रहते थे मस्जिद में, तो फरमाया ना कि अबू हुरैरा आप लोग जब बाजारों में जाते थे, जब तिजारतें करते थे, तो अबू हुरैरा मस्जिद नबी से चिमट के बैठा रहता था और अल्लाह का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीस लेते थे और लिखते रहते थे। तो उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे मालूम था कि ये सवाल तुम्हारे सिवा कोई नहीं करेगा, अबू हुरैरा के मुतालिक फरमाया, ठीक है। तो ये जो है इतनी बड़ी तख्लीक है अल्लाह की, और अल्लाह का इनका मर्तबा बहुत बड़ा है लोहे महफूज का, अर्श का, क्योंकि अल्लाह के करीब होने की वजह से भी, क्योंकि अल्लाह के करीब भी है ना, ठीक है। अच्छा, और फिर जो हमने गौर व फिक्र पे हमने पढ़ा था कि कायनात में गौर व फिक्र करना चाहिए, तो गौर व फिक्र कायनात में जो गौर व फिक्र है ना, हजार साल की इबादत की क्वालिटी से बेहतर है, हजार साल की इबादत की क्वालिटी से बेहतर है, बताए जरा क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला की पढ़ाई का हमें तब वो समझ में आता है कि अल्लाह ताला ने ये इतना, मतलब हर चीज में हम लोगों को समझ में आता है, क्योंकि एक ही चीज लाल है लेकिन वो हर जगह उसका टेस्ट अलग हो जाता है, मतलब एक चीज में भी अल्लाह ताला ने कितनी सारी चीजें डाली, बिल्कुल, तो उसके वजह से अल्लाह ताला की बड़ाई हमें समझ में आती, बिल्कुल सही कहा कि कायनात में गौर फिक्र करने से अल्लाह की बड़ाई समझ में आती है, अल्लाह का और तारी होता है, उससे मोहब्बत तारी होती है, हम तो इस काबिल भी नहीं थे कि अल्लाह ने दिया, तो इसलिए हजार साल की इबादत की क्वालिटी से बेहतर है कायनात में गौर फिक्र, और गौर फिक्र से ही तो इबादत की क्वालिटी बढ़ेगी, ईमान में इजाफा होगा,
गौर व फिक्र किया तब उनको दीन समझ में आया कि सूरज खुदा नहीं हो सकता, चांद खुदा नहीं हो सकता, डूबने वाले गुम हो जाने वाली चीजें तो वो नहीं हो सकती, तो तखलीक है अल्लाह ताला की, ठीक है ना। तो फिर नमाज में खुशू व खुजू अच्छा होगा, क्याम अच्छा होगा, सजदा बेहतर होगा, सब को गौर व फिक्र से। तो इसको क्या बोलते हैं गौर व फिक्र करने को, शरई नहीं, वो तो कुरान की तदबीक के वो आयते कौनी, आयते कौनी है ना, आयते कौनी, तो ये आयते कौनी हो गई अल्लाह की कायनात में, आयते कौनी है और आयते शरई जो अल्लाह के अहकाम है जो हम कुरान और मजीद में देखते हैं। तो नहीं लेके उन्होंने कहा कि वो कौन खुश नसीब होगी जिसको आपकी शफात हासिल होगी ना, तो शफात कुबरा के मालिक तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, वही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और जो है हशर का मैदान तो खत्म ही नहीं हो रहा होगा, लोगों को उस वक्त जन्नत दौजख की फिक्र नहीं होगी, सूरज समा नेजे पे होगा, आदमी अपने गुनाहों के बराबर पसीने में डूबा होगा, टखनों तक, घुटनों तक, रान तक, पेट तक, गर्दन तक, कुछ लोग पेशानी तक पूरे डूबे हुए होंगे। और नेक लोग जो होंगे होंगे उनको लगेगा एक नमाज से दूसरी नमाज, 50,000 साल का एक दिन है वहां का, ठीक है ना। फिर यही फरमाया ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफात कुबरा के मालिक है, अल्लाह ताला वो कह रहे मैं सज्दे में जाऊंगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला कहेगा कह फरमाया मांगिए, सवाल कीजिए, आपको दिया जाएगा, फिर शफात शुरू होगी, लोग पैगंबरों के पास जाएंगे कि देखे कितना सख्त दिन है, आदम अलैहिस्सलाम कहेंगे नहीं, ईसा अलैहिस्सलाम पे जाए तो के पास भेजें, पैगंबर भी एक से दूसरे के पास भेजेंगे, कम से लग्जिशें हो गई थी, आखिर में कहा जाएगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बजाय शफात कुबरा के मालिक वो है, शफात कुबरा के मालिक हुआ ना। उसमें हमें कुरान में देखे मुत्तकीन की सिफत मिलती है, आप आजकल सूरतुल मोमिनून में याद कर रही हैं कि खुशी व खुजू वाले हैं और अपनी हद पे रहते हैं सिवाय अपनी बीवियों और अपनी लौंडियों नमाज में खुश। हाँ कद अफलल मोमिनून हुम फी सलातिहिम खाशिऊन करके 10 वो जो आखिर 10-12 आए थे, अमन अपने ख्याल नहीं करते हैं, सिर्फ बीवियों किससे अपनी ख्वाहिश पूरी करते हैं या उनके माते जो लौंडी अब तो लौंडियों का वो नहीं है, जक़ात में करते हैं अदा करते हैं ना, सारी जो क्वालिटीज हैं, तो मुख्तलिफ कुरान में मुख्तलिफ क्वालिटीज बताई गई कि वो मुत्तकी है ना, तो वो जो है जन्नतुल फिरदौस के और जन्नतियों के भी वो होंगे ना लेवल्स होंगे, एक लेवल का जन्नती दूसरा, एक सबसे अच्छा लेवल मांगे कि इंसान जब चाहेगा अल्लाह का दीदार कर लेगा, बस उस लेवल की अल्लाह ताला से दुआ मांगे, लीवजिल्ला अल्लाह की चेहरा हासिल करने के लिए, अल्लाह की खुशी के लिए काम किया जाए, यहाँ आए भी तो अल्लाह की खुशी के लिए हम आए, क्योंकि हम इल्म भी हासिल कर रहे हैं तो इसको फैलाएंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे और जो है सबको अल्लाह से जोड़ेंगे, अल्लाह से जोड़ना 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 उस, क्योंकि अगर आपने एक को भी कुछ बना दिया, कुछ पढ़ा दिया, वो आपको नहीं पता आगे जाके कितना फैलाए, तो वो आपके लिए सदका जा रहा है, आपका शागिर्द बन जाएगा, औलाद है आपके शागिर्द जो आपके स्टूडेंट्स है वो भी बन जाते हैं ना, ठीक है। एक भी आ रहा हो ना तो पढ़ा दे, ये ना सोचे कि क्लास कैसे लगाऊं, अभी तो एक ही आ रहा है, एक पता नहीं कितने फल लाए, आपको नहीं मालूम कि रहती दुनिया तक वो इतना फैला दे, उसको फैला, उसके फैलाने वाले उससे उससे उसके 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 स्टूडेंट उसके स्टूडेंट, और फिर आपको कयामत तक अजर मिलता रहे, नहीं मालूम कि एक बीज बो दें तो उसका फल कहाँ कहाँ तक जाए। तो कभी भी कहते हैं ना अल्लाह के रसूल सल्लम की एक बात याद रखें, और हदीस कुरान में भी आता है कि खजूर की छाल के बराबर भी, जो खजूर की गुठली के ऊपर जो छाल होती है प्लास्टिक टाइप की, पेपर ट्रांसपेरेंट टाइप की, उसके बराबर भी नेकी करने में जो है ना ना चुके, कितमीर 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 कहते हैं ना उसको, कितमीर के लफ्ज है कुरान में, कितमीर भी तीन तरह के लफ्ज है ना, वो एक खजूर की छाल है, एक खजूर का वो थ्रेड सा निकल रहा होता है वो है, तीन है वो है ना, वो आयत हम इंशाल्लाह व्हाट्सएप पे डाल दूंगी, ठीक है। तो इबादत का एक दिन आता है कि एक रात आप ससम हजरत आयशा के पास तशरीफ लाए और कहते हैं कि मुझे इजाजत दो मैं इबादत करूं, क्योंकि बीवी का भी हक होता है ना रात। देखिए अल्लाह के रसूल कहते हैं अपनी ज़ौजा मोहतरमा से कितना हुकूक का ख्याल कि मुझे इजाजत दो मैं इबादत करूं। तो अब आप ससम से मोहब्बत थी, बीवी आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को बहुत मोहब्बत थी, तो आपकी पसंद की चीज़ों का भी ख्याल करती थी, आपकी पसंद की चीज़ों से भी मोहब्बत करती थी। जिसको आपसे मोहब्बत होगी
वो आपकी पसंद की चीजों से भी मोहब्बत करे। आपको पता होगा मेरी दोस्त को ये कलर पसंद है तो आप उसके लिए वो कलर पकते करते। आपकी दोस्त आ रही होगी, आपकी अम्मी आ रही होगी, बहन आ रही होगी, आपके ये पकाती, ये पसंद करती है ना, तो आप क्या तैयारी करें, आपकी वालदा आने वाली, बहुत सवाब है, जल्दी जल्दी बना लो अपनी वालदा के लिए चीजें, ठीक है। तो हाँ, तो क्या हुआ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने इजाजत ली थी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे। आप देखें कि हमारे कौन से मर्द है जो इजाजत ले रहे होते हैं, अल्लाह के रसूल हैं, बीवी के हुकूक है रात के, उनसे इजाजत ले रहे हैं। तो फिर वो उठे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और नमाज के लिए उठे, खड़े हुए और इतना रोए नमाज में, इतना रोए कि जिस हिस्से पे, जिस जगह खड़े थे वो भी भीग गया। फिर इतना हत्ता के बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हा, वो फजर की अजान के लिए आते थे ना, ताजुद भी पढ़ी ना, वो रात की सारी नमाजें आपने सलासल में ताजुद पढ़ी था, तो फिर बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु भी आ गए, तो फरमाए कि इतना क्यों रो रहे हैं, और साहबा तो आपको यही फरमाते थे ना कि आपके तो अगले पिछले सब गुनाह माफ हो गए। तो फरमाया कि इन नफी खल्क समावाती वलर्दी विख्तिलाफी लैली वन्नारे, इन आयतों ने मुझे बूढ़ा कर दिया। और बहुत सी सूरतों के भी नाम लेते थे कि फला फला सूरतों ने मुझे बूढ़ा कर दिया है ना। तो और हमें भी इसमें और ये गौर फिक्र की आयत है, सूरत आले इमरान में है ना, आखिरी 200 तक, 191 से 200 तक, तो इसको हिफ्ज कर लें जितनी हिफ्ज हो सकती है। और ये तहज्जुद में भी आयत पढ़ते हैं, इन्ना फी खल्क समावाती वल अर्दी वख्तिलाफ, 191 टू 200, हाँ 190 एंड की है, 191 से 200 11 बनती है मेरा ख्याल, 11 हाँ 11 बनती है, ठीक है। तो इनमें जो है ना वो ये इसमें आयत कौनी है ना, कि इसमें आप गौर व फिक्र करें तो क्या होता है, गौर व फिक्र करने से हमें खशियत में इजाफा होता है, अल्लाह की खशियत भी तारी होती है। अल्लाह ने अच्छा ऐसी ऐसी तखलीक की, ऐसी ऐसी चीज़ें बनाई हैं, उसके बाद अल्लाह की नेमतें नज़र आती हैं। फिर क्या होता है कि हम जब नेमतें देखते हैं तो हम इसी आयत में है ना कि माँ खलकता हाजा बातिला सुबहानका फ़कीना अजाबन्ना, इन्ना फ़कीर खलकी समाज से लेके ये आयत भी आती है ना कि माँ खलकता हाजा बातिला सुबहानका फ़कीना अजाब, अचानक निकलता है एकदम कि अल्लाह तूने कोई चीज़ बेबस नहीं बनाई है, बेकार नहीं बनाई है, तो सुबहानका अल्लाह तो आप तो पाक है, तो मुझे आग के अजाब से बचा लीजिए। फौरन अल्लाह की तारीफ की, कायनात में गौर किया और कहा कि बस सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, आप तो पाक है और जो है आप मुझे आग के अजाब से बचा लीजिए। जहाँ अल्लाह की तारीफ करें फौरन दुआ भी सिखा दी ना अल्लाह ने, कि दुआ मांग लें, ठीक है, पहले तारीफ करनी चाहिए अल्लाह की, फिर दुआ मांगनी चाहिए, दुरूद शरीफ भी पढ़ना चाहिए, उसके बगैर तो मौलक रहेगी, अगला आगे पीछे दुरूद शरीफ नहीं पढ़ा तो दुआ मौलक रहेगी। तो फिर क्या होता है, अचानक जो है हम राजी हो जाते हैं, फिर अल्लाह भी हमसे राजी हो जाता है, फिर क्या होता है कि हमारे रुकू सुजूद कयाम सब कुछ जो है अच्छे हो जाते हैं। और फिर हमें जो है क्या होता है कि इबादत जो हमारी टूटी फूटी इबादत है उसका भी एहसास होता है कि अल्लाह ने क्या क्या हमें नवाजा, हम क्या कर रहे हैं, बगैर मांगे चीजें दी हुई हैं, बेटा बेटियां शौहर घर बार कितनी चीजें, तो बगैर मांगे सब भी कुछ बाय डिफॉल्ट सभी मिला हुआ है, और रहमान और वो जो रहीम है तो सब कुछ दिया हुआ है, बहुत कम चीजें हम मांग रहे होते हैं। आप देखें सब कुछ, अब ये धूप आपको नजर आ रही है, सर्दी भी है धूप भी है, अभी मैं रास्ता चल के आई माँ मस्जिद से तो मुझे लगा कि अच्छा ठंडक भी है धूप भी है, इसमें मुझे बड़ा हुआ कि कितनी अच्छी चीज है, अब सर्दी में धूप भी है कितना अच्छा लग रहा है। हाँ तो कितनी चीजें तो बगैर मांगे देती थी। हजरत राबिया बसरी जो थी ना वो इबादत में मसरूफ होती थी, जब अजान की उन्हें आवाज आती थी तो वो कहती थी कि मुझे तो हशर की पुकार याद आ गई, हशर का दिन भी तो लगेगा, थोड़ा सा पानी दे दे मैं भूल गई लेना, हशर का दिन भी रहेगा ना, तो वो फरमाती है कि जब अजान की आती तो मुझे ऐसा होता था जल्दी नमाज के लिए दौड़ूं, क्योंकि हशर का दिन भी अचानक हो जाएगा ना, अचानक रूह नफक में सूर फूका जाएगा, हम हमारी मौत हो जाएगी, फिर दूसरे नफक पे हम उठेंगे ना, वो हशर की पुकार होगी कि हशर की तरफ जाओ, सब जा रहे होंगे हशर की तरफ, जजाक अल्लाह खैर मैं पानी पी लूं। फिर फरमाती है राबिया बसरी रज़ियल्लाहु अन्हा, वो कहती हैं कि और जो है जब एक तो ये फरमाया उन्होंने कि मुझे हशर की पुकार याद आती, और जब तुम देखो कि पतंगे पतंगे जो है ना पतंगे बहुत उड़ रहे होते ना आके, तो सोचो कि मुझे हशर नजर आता है, तो कहने की मुझे हशर का मजा आजान होती तो मुझे हशर की पुकार नजर आती, और जब पतंगे मुझे देख रहे होते कि हम इंसान भी इतने सारे होंगे और अरफात के मैदान में दो पैर रखने की जगह होगी ना, और बर्फ पड़ते देखो तो लोगों के अमाल नामे पे नजर रखो, क्योंकि हमारा वक्त जो है ना बर्फ की तरह पिघल रहा है और अमाल कुछ भी नहीं, बर्फ कैसे पिघल रहा है, और क्या होता है हमें ध्यान ही नहीं रहता है, जिक्र करें नमाज के बाद
किचन में मसरूफ हो गए तो मसाले में बिरयानी में ये डालूंगी वो डालूंगी अभी कपड़े धो लूंगी इतनी वो बातें क्या क्या रिपीटेशन 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 उसकी हाँ चल ही रहता है। तो उस दिमाग को अगर हम जिक्र तस्बीह में लगा दें जो बर्फ की तरह पिघल रहा है कि एक तस्बीह जो है जन्नत में दरख लगा देगी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मेराज की रात तुम जन्नत की जमीन बंजर है जन्नत में अगर दरख लगाने का शौक है तो सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाह अलअज़ीम तो एक दरख लग जाएगा। उसकी बजाय गीबतें और ये और बेकार की फजूल बातें उसके बेहतर नहीं कि हम ये करें और एक दरख लग जाए। तो ये फरमाती हैं कि ये चीज़ें जब क्या करो जब लोगों के आमाल नामे बिखेरने में नजर आएंगे तो तो मुझे बर्फ की मिसाल गौर करो कि बर्फ पिघलती जा रही है और हमारे आमाल कुछ भी नहीं है। तो वक्त जो है ना बर्फ की तरह पिघलता है ना तो उसको पकड़ना है ठीक है। तो अगर कायनात में गौर व फिक्र करनी है और हमें सारी इबादत हमारी ऐसी हो सब कुछ हमारा ऐसा हो कि हमारा वक्त जाया ना हो रहा हो ठीक है ना। अच्छा उसके बाद हम देखते हैं अब बाब एक बाब आ रहा है। अब आप देखें एक तो किताब है किताब बदुल खल्क पढ़ रहे हैं आप ठीक है। अब उसमें बाब होंगे मुख्तलिफ तो जब बाब आए ना तो आप समझ लें कि अब चैप्टर चेंज हो गया टॉपिक चेंज हो गया ना। यानी एक ही किताब में बहुत सारे बाब हैं बहुत सारी हदीस है टॉपिक डिफरेंट यूनिट समझ लें डिफरेंट चैप्टर समझ लें ठीक है। तो इंग्लिश में तो चैप्टर ही लिखते हैं ना चैप्टर लिखते हैं ठीक है। तो मा जा फी सबे अर्दीना मा जा फी सबे अर्दीना बाब सात जमीनों का बयान। सबा कहते हैं सात को अर्दीना अर्द की जमा अर्द होते ना अल अर्द अर्द की जमा अर्दीना तो सात जमीनों का बयान। अब देखिये इसमें इन्होंने आयत रखी है क्या कहा इमाम बुखारी ने एक आयत है मैं पढ़ रही हूँ इसी में है आपके हदीस में ही आयत है वो कौल ताला अल्लाह ताला का फरमान सूरत तलाक और सूरत तलाक की आयत नंबर 12 है ये ठीक है। इसमें नहीं दिया है लेकिन आप खोलेंगी ना तो ये 12 में अल्लाहुल्लज़ी खलक़ सबा समावाती वमिन अल-अर्दी मिस्लहुन्ना यतनज़्ज़लुल अम्रा अमरु बैनहुन्ना लितालमु अन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर वअन्नल्लाह क़द अहाता बिकुल्ली शैइन इल्मा। अब ये पहले तो ये आयत लाए अब इसके जरिए हमें समझाएंगे इमाम बुखारी के अल्लाह ताला का फरमान सूरत तलाक में अल्लाह वो है जिसने सात आसमान बनाए और इतनी ही यानी सात जमीनें बनाई अल्लाह का हुक्म उन पर उतरता है ये इसलिए कि तुम जान लो कि अल्लाह सब कुछ कर सकता है और उसने अपने इल्म से हर चीज को घेर रखा है। और सूरत तूर में फरमाया अब आगे फरमाते सूरत तूर बस वस्सख्फिल मरफू वस्समाई और सूरत तूर में फरमाया कसम है ऊंची छत यानी आसमान की वस्सख्फी मरफू मरफू समझते रफा रफा समझते उठाना ऊंचा होना रफा उठाना ठीक है। तो क्या के सूरत तूर में फरमाया कसम ऊंची छत की यानी आसमान की। अब सूरत नाजियात में जो फरमाया है रफा आ सम कहा ना वस्समा है ना सम कहा का है ना रफा सम कहा नाजियात में कहा है तो उसके मानी है बिना आहा आपके पास है ये वर्ड है चले मैं बोलती जाती हूँ अवानत है हाँ है ना वर्ड तो है ना। तो देखिए इमाम बुखारी का हाँ इमाम बुखारी का उसलूब है कि वो क्या करते हैं कि आप बदुल खल्क पढ़ रहे हैं ना तो ये कुरान तो नहीं है पूरी पूरी आयत नहीं लिखेंगे लेकिन इतना अच्छा हमें मौका देते हैं कि ये वर्ड दे देंगे कि तखलीक के वर्ड कि आसमान का दे दिया जमीन अब देखे ना जमीन आसमान पहले तो आयत दी उन्होंने ठीक है। अब ये वर्ड से हमें क्या होगा कि हम कुरान खोलेंगे और ये पूरी पूरी आयतें पढ़ेंगे समझने की कोशिश करेंगे ठीक है ना। इससे हमें ये भी होगा कुरान खोलेंगे तदबीक करेंगे ना कि यहाँ से हदीस के अल्फाज वहां जाके ढूंढेंगे तदबीक होती वहां जाके ढूंढना। तो अब ये जो इन्होंने पढ़ाया फरमाया के अन्नाजियात में जो रफा समका है समक के मानी क्या है बिना आहा आपके पास मानी दिए गया बिना आहा हाँ जी बिना आहा इमारत यानी बिना आहा कहते हैं इमारत को और वल हुबुकू वल हुबुकू का मानी कहते हैं कि सूरत उज़ारियात में जो हुबुक का अल्फाज आया इसका मानी ने मानी इस तिवा उहा वुस्नुहा इसका मानी है बराबर होना यानी हमवार होना ठीक है और हमार होना बराबर होना और खूबसूरत हुस्न समझते हैं ना खूबसूरत होना। अब देखे वो अजीनत को कैसे एक्सप्लेन किया उन्होंने वो अजीनत का मतलब है सूरतुल शक्कत में जो अजीनत है उसका मानी अब उन्होंने बताया क्या बताया वो अतात है ना सुना समियत
समियत व अतात, हाँ समियत व अतात, तो उसके मानी है सुन लिया और मान लिया। और जो वालकत है, वालकत का मानी है अखरजत माफिया मिनल मौती, अलकत का मानी जितने मरे हुए थे उनको निकाल बाहर किया, ठीक ना, और खाली हो गई। व तखल्लत अनहुम, और खाली हो गई। और सूरतुल्लैल में जो है तहाहा, सूरतुल्लैल में जो तहाहा है उसका मानी है दहाहा, यानी आपके पास दहा के लफ्ज है बिछाया, हाँ बिछाया बिछाया। और सूरतुन नाजियात में जो है बिसाहिरा, ठीक है, तो जो साहिरा का लफ्ज है उसका मानी वजहुल अर्दी, यानी रुए जमीन, जमीन का चेहरा। काना फीहा अल हयवानु नौमुहुम व सहारुहुम, और रुए जमीन में जो जानदार रहते हैं, सोते हैं, जागते हैं। तो अब आप देखिए अरबी से अरबी आ गई, आपके पास अरबी मानी है, मेरे पास अरबिक मायने है, अच्छा मेरे भी अरबी मायने है। आप जो है ना किताब कोई भी खरीद ले, इसलिए कि सिर्फ लफ्ज उर्दू तो मतलब तो वही होगा, सिर्फ क्या होगा जरा सा कहीं एक जुमले में एक आध लफ्ज का फर्क हो गया। जैसे वही बात उन्होंने साइमा, सिस्टर साइमा ने बताई थी कि एक ही किस्से को आप के अल्फाज कुछ थे, मैंने कहा मेरे अल्फाज कुछ थे, तो क्या होगा कि बड़ा फायदा है। अब आप देखें इसमें आपको अरबी मायने भी आ रहे है ना, और ये फिर ये कितने मुफस्सिरीन कुरान और अब्दुल्ला बिन अब्बास और कतादा और ये सारे, मतलब कितने ऐसी ऐसी हस्तियां बता रही होती हैं जो कुरान को समझने वाली होती है ना, तो कोई भी जिन ले लें ताकि हमें ये सारा मिस हो रहा है आप लोगों का ना। अब देखिए कितनी भी आप कोशिश कर लें किताब जैसी तो कोई चीज है ही नहीं, वो तो है मिस हो गया ना इसमें, आपकी चीजें नहीं है, ठीक है ना। अच्छा अच्छा अब आगे हम पढ़ते हैं, हाँ अब ये है कि इमाम अहमद ने अबू हुरैरा रदी अल्लाह अन्हु से रिवायत की कि आज़ा सरसा ने फरमाया कि तुम जानते हो तुम्हारी इस जमीन तले क्या है, दूसरी जमीनें हैं वो दोनों में 500 कितनी जमीन, 7 जमीनें और हैं, क्योंकि आयत भी आपको बता रही है सूरह तलाक की आयत हमने 12 भी पढ़ी जो इमाम बुखारी ने पहले कोट की हदीस के शुरू करने में, उसमें भी मिस लहुन्ना पढ़ा कि जिस तरह 7 आसमान है बिल्कुल उसी की तरह 7 जमीनें भी है। तो इन्होंने ये फरमाते हैं कि तुम जानते हो कि तुम्हारी इस जमीन तले क्या है, तले यानी नीचे, दूसरी जमीन दोनों में 500 बरस का फासला है, आपने इस तरह 7 जमीनें गिनी, किसने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। हाफिज ने कहा कि इससे अहले आयत का रद्द होता है जो कहते हैं कि आसमान और इसी तरह जमीनें एक से एक लपटी हुई है, हालांकि एक जमीन से दूसरी जमीन में 500 साल का फासला है, जिस तरह एक आसमान से दूसरे आसमान में 500 साल का फासला है। तो जो है अच्छा अब अल्लाह के रसूल सल्लम ने फरमाते कि एक बहकी में है कि इब्ने अब्बास रदी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि हर जमीन में आदम है तुम्हारे आदम की तरह, नूह है तुम्हारे नूह की तरह, इब्राहिम है, ईसा है, और एक नबी है तुम्हारे नबी यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह। हर जमीन में जमीन में पैगंबर है, हाँ बिल्कुल सही कह रही, हाँ तो पैगंबर जमीन में है। अब वहाँ नील आर्मस्ट्रांग ने जो चांद पे क्या सुना, लेकिन हर तरफ अल्लाह की कोई मखलूक है। जब भी तो वहाँ अजान हो रही थी, अब वो मुसलमान हो गए थे आज, क्योंकि उन्होंने कहा ना मिस्र में भी ऐसी अजान सुनी, जमीन में मखलूक है और में पैगंबर भी, ये हमें अल्लाह के रसूल से बता रहे। और इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु जो हिब्रुल उम्मा है, जो स्कॉलर है हिब्रुल उम्मा हमें बता रहे हैं, ठीक है ना। इब्ने अब्बास तो मुफस्सरीन कुरान है, ठीक है ना, और सिगार सहाबा में से थे, सबसे छोटे सहाबी में से थे। तो हम जो इस तरह करेंगे एक दो हदीस करके फिर हम अपनी ग्रामर की क्लास शुरू करते हैं, अभी टाइम हम कर लेते हैं, चले आगे बढ़ते हैं हम। तो अच्छा अब जो है हम ये पढ़ते हैं, बड़ी स्कैरी हदीस है, बहुत डरने वाली हदीस है, जो लोग जमीनों को हथिया लेते हैं अब कॉलोनियां बना लेते हैं और क्या क्या करते हैं, तो इसको गौर से सुने। हदसना अली इब्न अब्दुल्लाह अखबरना अखबर इब्न उलैयता अखबर इब्न उलैयता अन अली अनी इब्न मुबारकी हदसना यहया इब्न अबी कसीर अन मोहम्मद इब्न हारिसी अन अबी सलमा अन अबी सलमत इब्न अब्दुर्रहमान वकानत बैनहु व बैना उनासिन खुसूमतुन फिल अर्द। अच्छा अब इसको ये इमाम शुरू में जो है ना अली बिन अब्दुल्ला मदिनी, ये इमाम बुखारी के उस्ताद हैं, ठीक है, और हदीस की रावी कौन है,
अबू जी जी अब्दुल रहमान कौन है, अबू सलमा बिन अब्दुल रहमान से आप क्या हुआ कि इनका झगड़ा हो गया कि वकानत बैनहू बैना उनासिन खुसूमतुन फिल अर्दी, जमीन के बारे में वो कहते हैं कि उनका कुछ लोगों से झगड़ा था एक जमीन के बारे में, ठीक है। कद फदखला अला आयशा था, तो वो हजरत आयशा के पास गए दाखिल हुए, फजा करा लहा तो उन्होंने उस चीज का जिक्र किया, उनसे बयान किया, तो या अबा सलमा था इश्तनिबिल अर्दा फइन्ना रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काला मन जलमा कीदा शिब्रिन तुवफ्तिकहु मिन सबी अर्दीना। उन्होंने कहा कि हज़रत आयशा के पास गए तो उनसे बयान किया, तो हज़रत आयशा फरमाती है अबू सलमा जमीन नाहक लेने से बचा रहे क्योंकि आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स बालिश पर जमीन जुल्म से ले ले क़यामत के दिन उनको सात जमीनों का तौक पहनाया जाएगा। अब तौक क्या होता है, तौक गले के अंदर लोहा डालकर सजा दी जाएगी, जैसे गले का हमारा हार होता है ना, तो गले के अंदर डालकर तौक को डाला जाएगा, लोहे का सजा दी जाएगा, गर्दन में डाला जाएगा और उसे सजा दी जाएगी कि इधर उधर हिल, अगर आपके गले में कोई बोझ रहता है ना इधर होंगे ना उधर होंगे तो इधर उधर गर्दन भी नहीं कर सकेगा और सात जमीनों के बराबर भारी बोझ होगा। तो अभी सारी हदीसें आपके उसी पर आ रही है, किस पे आ रही है, सातों जमीन पे, वो हम पढ़ लेते हैं, सातों जमीन पे आ रहे। अब आप देखें कि हम ये तो जमीन पे था ना, तो हम देखते हैं कि ये फरमाती हैं क्या फरमाते हैं, ये हदीस में अब भी आयशा फरमाती है कि जमीन नाहक लेने से बचा रहो क्योंकि हज़रत ससम ने फरमाया जो शख्स बालिश पर जमीन जुल्म से ले ले कयामत के दिन उसको सात जमीनों का तौक पहनाया जाएगा और तौक गले के अंदर लोहा डालकर सजा दी जाएगी, गर्दन के अंदर डाल के सजा दी जाएगी कि गर्दन इधर उधर भी ना कर सके, तो सात जमीनों के बराबर भारी बोझ डाला जाएगा। अब हम देखते हैं कि एक थोड़ा सा वजन आ जाए तो हमारा बुरा हाल हो जाता है, हम नहीं उठा सकते, ठीक है। और हम देखते हैं कि यहाँ तो सातों जमीनों की बात हो रही है कि सात जमीनों का तौक होगा गर्दन में। अब दुनिया में हम देखते हैं कि यतीमों की, बेवाओं की, औरतों की जमीनों पर कब्जा कर लेते हैं, ठीक है ना, और कई कई लोग तो क्या करते हैं कि कॉलोनियां बना लेते हैं, शहर के शहर बना लेते हैं और जमीन जो है जुल्म और ज्यादती से हथिया लेते हैं, ठीक है ना, और बिल्कुल अपनी मर्जी से छीन लेते हैं कि लोगों का ख्याल नहीं करते। और यहाँ तो एक बालिश के बराबर अगर जमीन ले ली गई तो क्या होगा कि सातों जमीनों का तौक हो जाए, ठीक है ना, एक हाथ सात जमीन का तौक होगा। तो हम देखते हैं कि और फिर क्या करते हैं कि उसकी रकम भी अदा नहीं करते और जाएं तो जवाब भी नहीं देते हैं, कोई ना लॉ होता है ना कोई ऑर्डर होता है। अब हम देखते हैं कि एक जमीन कितनी वजनी है, स्टैटिस्टिक्स हम निकालते हैं ना, देखते हैं जो दुनिया में तो हर चीज का स्टैटिस्टिक्स आया हुआ है, तो स्टैटिस्टिक्स में शो करते हैं कि जमीन का जो टोटल वेट है 1000 ट्रिलियन मेट्रिक टन, ट्रिलियन यानी 5.9726 ट्रिलियन मेट्रिक टन, और हम इसको लिखने पे आए तो बनेगा 5.9736 और उसके आगे आप 24 जीरो लगा लें, कितने जीरो 5.9726, तो ट्रिलियन बोल देना आप 24 जीरो की बजाय, आप 24 जीरो की बजाय ट्रिलियन बोल दें, ठीक है, तो 1000 ट्रिलियन है यानी 5.9726 ट्रिलियन यानी इसके आगे हम 24 जीरो लगा लें तो इतने केजी बनेगा और इतने मेट्रिक टन बनेगा, ठीक है। अब जमीन के तीन पोर्शंस होते हैं, कितने होते हैं, तीन पोर्शन, एक क्रस्ट होता है यानी सरफेस जो आप देख रहे हैं ये क्रस्ट है, एक मेंटल होता है जो दरमियान का हिस्सा होता है, एक उसके ऊपर का कोर होता है जो सबसे ज्यादा हॉट होता है, कोर तो बहुत ज्यादा हॉट होता है, ठीक है। तो जो क्रस्ट और मेंटल है उसके अंदर जो चीजें पाई जाती है वो सारी भारी भारी चीजें हैं, जैसे आयरन है, सारे मेटल्स है, गोल्ड है, सिल्वर है, पीतल है, तांबा है, कॉपर है ना, सारी चीजें, बहुत सारी धातें, ठीक है, ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन का भी बहुत ज्यादा वेट होता है, गैस के सिलेंडर ज्यादा घर में ले आए जहाँ के सिलेंडर होते हैं पाकिस्तान में या किसी भी मुल्क में, और उसमें जो है सिक्लियन जो रेत होता है, मैग्नीशियम और पानी सारी जो मादनियात है तो उनका भी वजन होता है, ठीक है। और जो जमीन का जो कोर है, जो इनर कोर है जहां से लावा उबलता है, वो 91% आयरन का बना हुआ होता है,
91% आयरन, पाव किलो किलो आयरन नहीं उठा सकते हम, और जमीन का जो सरफेस है वो टोटल बनता है 5.10072 मैट्रिक किलोमीटर, कितना बनता है 5.10072000 यानी 72,000 किलोमीटर बनता है हा? और इसमें से 71% वाटर है, और वाटर कितना भारी होता है कि एक पतीला एक बाल्टी नहीं उठा सकते, पानी चावल में भी डालना होता है कि गरम, मेरे चावल बहुत अच्छे बने तो पानी आप गरम डालती ना, किसी ने लोग कहते हैं बड़े अच्छे खिलेंगे और कैसा होता है, तो पानी एक चूल्हे से दूसरे बर्नर से दूसरे बर्नर पे लाने पे हमें नहीं उठता है। तो 29% लैंड है, और लैंड के ऊपर स्ट्रक्चर्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, टावर्स हैं, शॉपिंग मॉल्स हैं, बंदे हैं, जिंदा हैं, मुर्दा हैं, और उनमें रोज बरोज इजाफा हो रहा है, रोज अपने में मुर्दे दफना रही है ना, और रोज बच्चे हर सेकंड पे बच्चा पैदा हो रहा है हाँ। और इस तरह फिर रोड है, और फिर जो उसमें वेजिटेशन, नबातात, एनिमल्स, वाइल्ड बीस, उसके साथ साथ हमारे गुनाह भी हैं, उसका भी बोझ उसने उठाया हुआ है। तो इस हदीस को बहुत ज्यादा शेयर करें, सब मर्दों को भी शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा मर्दों को, क्योंकि वो कवाम होते हैं, वो इंसाफ कर रहे होते हैं हमारे घरों में, जब कोई डेथ हो जाती, कुछ हो जाती है, तो ये उसको बहुत शेयर करें। और जो भाई बहन बाहर के मुल्कों में रहते हैं, तो लोग कहते हैं अभी वो तो इतने डॉलर और इतने रुपीज और दिरहम और रियाल कमा रहा है, उसका क्या है, वो तो आके मल्टीप्लाई करेगा तो इतना, क्या उसके खर्चे नहीं है, तो वो सारे मकान पर जो है, जो बाहर भाई बहन होते हैं मकानों पे कब्जा कर लेते हैं, अपने बाहर वाले ओवरसीज भाई बहनों को नहीं देते हैं, और दुकानों पे कब्जा कर लेते हैं, किसी को हिस्सा नहीं देते हैं, तो उनको बताएं कि ये नाजायज कब्जा होता है, और कोई भी ऐसा शख्स जिसने किसी की जमीन पर नाजायज कब्जा कर लिया तो हदीस में आता है कि वो ये जुल्म है, और जुल्म से बाज आ जाए वरना 7 जमीनों का तौक उसके गले में होगा, और तौक क्या है, गले के अंदर लोहा डालकर सजा दी जाएगी कि गर्दन इधर से उधर भी ना होगा, तो 7 जमीनों के बराबर भारी और इतना वेट है जो ये हमने ये वेट पढ़ा, ठीक है। तो ये हदीस हमें तो सही बुखारी की हदीस है, सही बुखारी की हदीस, ठीक है ना। तो ये बहुत ज्यादा शेयर करने की बात है ना, ठीक है इंशाल्लाह। अच्छा उसके मेरे ख्याल अब शुरू कर देते हैं हम, अगर चले तो हमारी 417 तक हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम जो है थोड़ा देख लेते हैं कि थोड़ी सी याद दहानी ये कर लेते हैं कि हमें अशरा जुलहज में एक तो हमें वो करना है, सबको मालूम है ना क्या करना है, अरफा की दुआ, कोई बताएगा अरफा की दुआ क्या पढ़ी थी हमने, अरफा की दुआ, अरफा की दुआ कोई बताए, मेरी आवाज आ रही है, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को जी, अरफा की दुआ कौन बताएगा हमें, कौन सी दुआ पढ़नी है अरफा की, सही बुखारी तो हमारा खत्म हुआ, वो चले अरफा की दुआ बताएं, चौथा कलमा, चौथा कलमा जी, चौथा कलमा पढ़े पूरा पढ़े, तो अरफा की दुआ याद है ना सबको, पूरा पढ़े अरफा की दुआ, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु وهو يحيي ويميت ويميت على كل شيء قدير اور یہ کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ عشرہ ذوالحج سے ہم گزر رہے ہیں ماشاءاللہ ہم پہ اتنا اچھا 10 دن پورا مہینہ سایہ فگن ہو گیا الحمدللہ جو ہے سب سے پہلے تو ہمیں تکبیر تحلیل اور تحمید پڑھنی ہے چلو میں نے کہا ختم ہو گیا تو تھوڑی سی یاددانی ہو جائے اتنے اچھے دن گزرے تکبیر ہے اللہ اکبر تحلیل ہے لا الہ الا اللہ الحمدللہ ٹھیک ہے اور تکبیرات پڑھنی ہے اللہ اکبر پڑھے میرے ساتھ اللہ اکبر یہ جاری کر دی ہوں گی آپ لوگوں نے مجھے معلوم ہے میری پیاری بہنیں پڑھ رہی ہوں گی کیونکہ یہ مہینہ سارا ہو گیا ہم پہ جی یہ ہر نماز کے بعد پڑھنی ہوتی ہے نا وہ بتاتی ہوں میں الحمد للہ 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 ال
ये वो जो नमाज के बाद की वो तकबीर तशरीक है वो भी देखते हैं। तो ये दो अभी हमने ये जो हो गई तीसरी है अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर वलिल्लाहिल हम्दु अल्लाह अकबर वअजलु अल्लाह अकबर अलामा हदाना, चौथी अल्लाह अकबर कबीरन अल्लाह अकबर कबीरन अल्लाह अकबर वअजल अल्लाह अकबर वलिल्लाहिल हम्दु ना, ये दो तो हमें आती है और एक तीसरा कलमे के साथ है उसमें ये पढ़ना है अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु लहुल मुल्क वलहुल हम्द वहुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। तो अपनी जबान को हमेशा तर रखें इन 10 दिनों ऐसे सारा सारा साल भी पूरी ज़िंदगी भी, और जो है तहलील जो है ला इलाहा इल्लल्लाह है के तराजू पे आमाल हो और पलरे में और दूसरे पलरे में ला इलाहा इल्लल्लाह हो तो ला इलाहा का पलरा भारी हो जाएगा और ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाला जो है मरते वक्त भी उसकी जबान पे जारी हो जाएगा, और जिसका आखिरी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह होगा तो उस पे जन्नत वाजिब हो जाती है इंशाल्लाह। तो उसके बाद सुभानअल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर शॉर्ट सा हम देख लेते हैं, फिर दो कलमे कलीमतानी खफीफतानी अलल लिसानी तकीलतानी सकीलतानी अलल मीज़ानी हबीबतानी इंदर रहमानी, दो कलमे जबान पे भारी जबान पर हल्के तराजू में बहुत भारी, और रहमान को अज़ीज़ हैं वह सुभानअल्लाह वबिहम्दिही सुभानअल्लाहिल अज़ीम, और ये जन्नतियों की सांसों में होगा, फरिश्तों की भी तस्बीह ये है, और ये रिस्क आता है इससे ना, इससे रिस्क मिलता है, मैंने आपको हदीस भी बताई थी। उसके बाद इस्तिगफार बहुत ज़्यादा पढ़ने हैं कि आप सब ने फरमाया कि मैं दिन में 70 मरतबा से ज़्यादा अल्लाह से इस्तिगफार और उसे तौबा करता हूँ। सूरह नूह की आयत भी है कि अल्लाह ताला माल से बेटों से मदद करेगा, अल्लाह ताला जन्नत और नहरें जारी कर देगा, बागात और नहरें से भी रिस्क आएगा और ज़मीन से भी देगा रिस्क। उसके बाद दरूद शरीफ बहुत ज़्यादा पढ़ने, एक बार दरूद शरीफ पढ़ने पर दर्जों घंटे नाजिल होती हैं, और इस अशरे का सबसे बेहतर है वो क्या है, तकबीरात। तकबीरात आपने ज़रूर पढ़नी है, ठीक है, तकबीरात पढ़नी है, ठीक है, तकबीरात का बहुत ख्याल रखेंगी, तकबीरात बहुत ज़्यादा पढ़ेंगी। उसके बाद हम देखते हैं कि दरूद शरीफ, एक दरूद शरीफ पढ़ने पर 10-10 रहमतें आती हैं। आप रोज़े रख रही होंगी तो जो है सहरी के वक्त ख़ास तौर पे, और जो है दुआ क्या करें, दरूद शरीफ बहुत पढ़ा करें, और इफ्तार के वक्त भी आगे पीछे दुआ से पहले दरूद शरीफ पढ़ने वाला दुआ मौलक रहती हैं, वैसे भी इसका जिक्र करें तो एक दरूद शरीफ पर 10 रहमतें नाजिल होती हैं। उसके बाद अरफा का रोज़ा इंशाल्लाह हम सब रखेंगे, क्योंकि आप सबने फरमाया पिछले साल के गुनाहों का और कफ़ारा बन जाएगा अगले साल के गुनाहों का भी, यानी 2 साल के गुनाहों का कफ़ारा बन जाता है सिर्फ एक जो है रोज़ा, किसका, अरफा के दिन का, जब हुज्जाज करामीन जो हैं हज कर रहे हों उनका हज का दिन होगा, ठीक है, वो अरफा के मैदान में होंगे और हम यहाँ अरफा का रोज़ा, अल्लाह ताला कितने मेहरबान हैं कि हज पे नहीं जा सकेंगे लेकिन ऐसी इबादतें करके हमें सवाब मिलेगा इंशाल्लाह। और अभी हमारी किसी बहन ने कहा था कि हर नमाज के बाद, तो वो है तकबीर तशरी, वो हर नमाज के बाद कब पढ़नी है, 9 जुलज की फजर से ले कर 13 जुलज की असर तक, ठीक है, 9, 10, 11, 12 जुलज को फजर से इशा तक, लेकिन 13 जुलज की असर में हमें ख़त्म कर देना है, क्योंकि हुज्जाज करामीन मुना से 12, 11, 12, 13 को रुक के वापस लौट रहे होते हैं, 12 को भी मुना छोड़ दें तो कोई गुनाह नहीं है, अल्लाह ताला का हमें हुक्म है, हमें मिलता है कुरान मजीद में, लेकिन कोई तो 13 रह ले तो वो फिर निकल आते हैं मगरिब से पहले पहले, तो असर तक हमें ये अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द कहना है। उसके बाद अरफा के दिन की दुआ, इस दिन की सबसे बेहतरीन दुआ, सबसे बेहतर दुआ यौम अरफा की दुआ है, और मैं और मुझसे पहले अम्बिया ने जो कहा उसमें ये दुआ बेहतर है, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु लहुल मुल्कु वलहुल हम्दु वहुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह के सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं, वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं, उसी के लिए सारी बादशाहत और उसी के लिए सारी तारीफ है, और वो हर चीज़ पर खूब कुदरत रखने वाला है। वैसे भी आप चौथा कलमा हम इसको कहते हैं, इस दुआ को सब कॉन्टिनेंट या पाकिस्तान के लोग, तो ये जो है जो इसको वैसे दुआ कहते हैं लेकिन हम लोग चौथे कलमे से इसको जानते हैं, तो ये दुआ पढ़ने से ये क्या होता है कि अगर 100 बार पढ़ेंगी
तो 100 नेकियां हमारे अमाल नामे में लिखी जाएंगी, 100 बुराइयां उसमें से अल्लाह ताला निकाल देंगे, काट देंगे हमारे अमाल नामे से, और उस दिन शैतान के शर से हम महफूज रहेंगे। और जो है आपको पता है कि कोई भी जिक्र करो तो वो जो है शहद की मक्खी की जैसे आवाज़ बिन बिनाने वाली आवाज़ होती, ऐसे ये तस्बीहात अर्श के कोने कोने में अर्श पे गूंजती हैं जैसे मक्खी शहद की बिन बिनाती है। फिर जो है अल्लाह ताला तकबल अल्लाह मिन्ना व मिनकुम, अल्लाह ताला हमसे और आपसे इबादत कबूल फरमाए जो भी हम करेंगे। तो ईद को हैप्पी ईद कहने की बजाय ईद मुबारक भी कह सकती हैं, उर्दू में भी कह सकती हैं, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें सिखाए हैं तो सुन्नत पे को फॉलो करने का ज़्यादा सवाब है। तो आप कहेंगी तकबल अल्लाह मिन्ना व मिनकुम, और अपोलोजिस्टिक ना हो, बिल्कुल शर्मिंदा ना हो, मायने के साथ आप कहेंगी, क्योंकि आप हैं कुरान की स्टूडेंट। अब आप जो है हमें अपने आप को बदलना है, जो हम तालीमात पढ़ते हैं हमें अल्लाह को खुश करना है, लोगों को खुश नहीं करना है, बिल्कुल शर्मिंदा नहीं होना है, लोगों को पता चले कि अब मेरी सोच बदल गई है, मैंने अब जो है हिजरत तो नहीं होगी लेकिन ज़हनी तौर पे हिजरत कर ली, मैं अल्लाह के रसूल अल्लाह और रसूल के बताए हुए कवानीन पे चलूंगी, जो हुक्म अल्लाह ने दिया है वो मानूंगी, और जिससे अल्लाह ने रोका है उसको करने से रुक जाऊंगी। अभी आपने ज़मीन का पढ़ा कि कितना हिसाब किताब है, यानी हमने कह दिया गले में ज़मीन का एक सिर्फ एक बालिश ज़मीन हथियाने पर, कंस्ट्रक्शन करें तो ज़रूर करें। आजकल तो खैर ज़ाहिर है कि हुकूमत की तरफ से हमारे मुल्कों में भी बनाए, यहाँ का मुझे नहीं मालूम, यहाँ कभी घर नहीं बनाया, तो हुकूमत की तरफ से वो हमारे आर्किटेक्ट होते हैं, कॉन्ट्रेक्टर्स होते हैं, ये भी जो भी होता है वो तो इंच इंच नाप के देते हैं। तो ख़ासतौर पे हमारे मुल्क की डिफेंस में तो बहुत सख्त कानून है, क्योंकि मुझे डिफेंस का तजर्बा है, और जगहों का सुना है कि हथिया लेते हैं ज़मीनें और उनको रिश्वत दे दी जाती है, जो भी इंचार्जेज आते हैं तो ये होता है कि वो आपको दे देते हैं इधर की ज़मीन, उधर का कॉर्नर, इधर का कॉर्नर। तो एक बालिश ज़मीन हथियाने पे आप देखें कि कितना बड़ा गुनाह है कि हमने अभी सारा मिलियंस एंड ट्राइबिलियंस हिसाब किया, हमारे गुनाह, नबातात, इंसान और जितने टावर्स हमने बनाए, कितना कुछ ज़मीन ने उठाया हुआ है। तो 7 ज़मीनें, एक नहीं 7 ज़मीनें, भी आपने पढ़ी हदीस के 7 ज़मीनों में एक ज़मीन से दूसरे ज़मीन में 500 साल का फासला है, और उसमें भी हमारी ज़मीन जैसा सब कुछ है। तो जस्ट इमेजिन के 7 ज़मीनों का तौक सिर्फ एक बालिश ज़मीन हथियार ले, तो अल्लाह ताला सब देख रहे हैं, सब गिन रहे हैं कि हम उसको खुश करते हैं कि बंदों को खुश करते हैं। ठीक है, तो अब घर वालों को भी जब हम करते रहते हैं तो मालूम हो जाता है कि अब हम आई एम अ चेंज पर्सन, मेरी ज़िंदगी में तब्दीली नहीं आई, तो इस ऐसे दर्स में आने का, ऐसी क्लासेस में आने का कोई फ़ायदा नहीं, सही बुखारी पढ़ने का, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करने का, तफासीर पढ़ने का, इतने वर्कशॉप अटेंड करने का, और इतने टॉपिक्स, अभी हमारे 2 टॉपिक्स और आ रहे हैं, खराबतदारी पे एक आ रहा है, और आयतों के साथ टॉपिक्स तो बहुत होते हैं, लेकिन ये कि चले हम कर लेंगे, वो भी कवर सब कुछ होगा, इसलिए रोज़ आएँ, किसी दिन भी नागा ना करें। वर्कशॉप तो लंबे होते हैं तो वो बता दिया जाएगा, लेकिन बार दफ़ा चीज़ें तैयार हो जाती हैं, आपको पता है कि जूम की वजह से स्क्रीन भी तैयार करने होते हैं, तो कभी कभी वो भी एकदम रेडी हो जाते हैं। ठीक है, तो जो 1 घंटे का होगा उसको हम कर लेंगे। आपको ये मालूम होना चाहिए कि हम मुख्तलिफ उलूम करेंगे, सही बुखारी होगा, कुरान की तफसीर होगी, जो भी होगा ग्रामर होगा, जो भी चीज़ें होंगी, तो आप लोग रोज़ अटेंड करें। हाँ ठीक है, कभी अनाउंस नहीं भी किया जाता है, कभी तैयारी हो भी जाती है 1-1.5 दिन में ना, वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो रोज़ ज़रूर आए, और इसका चेंज आना चाहिए हमारी ज़िंदगियों में, चेंज होना चाहिए, और ताकि अल्लाह खुश हो, लोगों को खुश नहीं करना है। ठीक है, और पता चले कि रब्बानी बनना है, अल्लाह से जोड़ना, अल्लाह से कनेक्ट करना है, और ऐसा बनना है सिबगतल्लाह, आपने पढ़ा था ना सूरतुल बकरा में कि सिबगतल्लाह, अल्लाह का रंग, अल्लाह के रंग में रंगना है। याद करें, हमेशा याद करेंगे सिबगतल्लाह, और मुझे तो रब्बानी बनना है कि मुझे देख के लोगों को रब याद आ जाए, मेरे कौल, मेरे फेल, मैं बी प्योर इन थाट, वर्ड्स एंड डीज, वो जो है ना, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, मेरा जीना, मेरा मरना, मेरे मनासिक, मेरा सोना, मेरा मनासिक में सब आ गया ना, मेरा सोना, मेरा जागना, मेरा उठना बैठना, मेरी शादी, मेरे निकाह, नमाज के इर्द गिर्द चलेंगे। मैं दुल्हन से ये नहीं कहूँगी कि अभी $500,000 का या 1,00,000 रुपये का मेकअप किया है तो तुम्हारी वजू खराब, वो नई ज़िंदगी शुरू करने जा रही है, उसको हम नमाज से रोक रहे होते हैं कि मेकअप का क्या होगा। तो अल्लाह ताला हमें, मुझे फर्स्ट लेसन फॉर मी
मुझे भी ऐसा बना दे, आपको भी ऐसा बना दे कि हम कुरान और सुन्नत पे चलने वाले हों। तो मैं तकब्बल अल्लाह मिन्ना व मिनकुम से कह रही थी कि डोंट बी अपोलोजिस्टिक, बिल्कुल कह दें ये अल्फाज आप कहेंगी, ठीक है, अल्लाह ताला हमसे और आपसे इबादत कबूल फरमाए, और तर्जुमे के साथ कहेंगी, अरबिक बात सबको नहीं समझ आएगी, और फिर इंग्लिश में भी कह देंगी मे अल्लाह एक्सेप्ट फ्रॉम अस एंड यू, और ताकि वो आपके अजान हुई तो खामोश होना है, आप जवाब नहीं देंगी बिल्कुल नहीं, क्योंकि अल्लाह को खुश करना है, ठीक है। याहिव लजीना आमनु, वो एक आयत है ना सूरत हुजरात की, कि अल्लाह और रसूल से हमारी आवाज़ें ऊंची नहीं होनी चाहिए। किसके लिए आयत ये नाजिल हुई थी? अबू बकर उमर रदी अल्लाह अनु के लिए, कि एक महफिल में दोनों में तकरार हो गई, वो तो एक कहानी लंबी, वो आप हदीस में पढ़ेंगे इंशाल्लाह, किसी दिन मौका तो बता दूंगी, आवाज़ें दोनों की ऊँची हो गई मस्जिद के अंदर, तो फ़ौरन ही आयत नाजिल हो गई। जब इतने जलीलुल क़दर सहाबा को के लिए नाजिल हो जाती कि नहीं चलेगा, अल्लाह रसूल की से ऊपर किसी की आवाज़ नहीं होनी चाहिए, तो अजान हो रही है हम बातें कर रहे हैं, आप खामोश रहेंगे एक बार दो बार तीन बार अजान की सुन के, फिर अजान की दुआ पढ़ के जवाब देंगी, तो लोग आपको यूज्ड टू हो जाएंगे। थोड़ी शुरू शुरू में बहुत सारी चीज़ें लोगों को बुरी लग रही होती है, लोग मुँह बना रहे होते हैं, घर के अपने लोग, ठीक है, तो लेकिन बाद में सब आदि हो जाते हैं, ठीक है, कि आप दर्स देने वाली हैं, आप दर्स सुनने जा रही हैं, तो वो आपके आदि हो जाते हैं, क्योंकि आप अपने रवैये से उनसे अच्छा सलूक करती हैं, उनके हकूक अच्छे अदा करती हैं, बच्चे हों शौहर हो, तो उनकी समझ में आ जाता है कि व्हाट टाइप ऑफ अ पर्सन यू आर, अब आप एक डिफरेंट पर्सन है, सिर्फ अल्लाह को राज़ी करती हैं, अल्लाह राज़ी तो सब राज़ी, उनके दिलों में भी वो हदीस से जिब्रील है ना कि अल्लाह ताला मोहब्बत डाल देगा, फिर ये दुआ कुनूत जो है अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका, तो ये दूसरी दुआ कुनूत है, वो भी हमने पिछले दर्स में की थी, जिसको आती है उसके लिए रिविजन है, जिसको नहीं है वो याद कर लें, तो आपके पास अब चॉइस हो गई। और फिर ये मैंने इसलिए उस दिन करवाई थी आपको हमारे उस दर्स में अशरा जुलिजा के जब हरम शरीफ जाते हैं या इमाम मस्जिदों में जब दुआएं करवाते हैं तरावियों में, और वे तो ये दुआ ज़रूर मांगती है, दुआ कुनूत जो है तीन रकात जो हम पढ़ते हैं ईशा में, उसमें वितर में भी पढ़ी जाती है, और वैसे ये दुआ भी बहुत मांगी जाती है मसाजिद में, और ख़ास तौर पर हरमैन शरीफ़ में आप जाएंगी तो ये बहुत मांगी जाती है, तो आपको आती हो तो इन शॉर्ट स्टोरी शॉर्ट अशरा जुलिजा की मसनून आमाल कसरत से तहलील, तहलील क्या है जोर से बोले, सामने लिखा हुआ है तहलील, तकबीर तहमीद करना है, तौबा इस्तगफार की कसरत करना है, आमाल सालेहा का एहतमाम करना है, सबसे अच्छा सलूक करना है, सच्ची और पक्की तौबा करनी है, यानी कि तौबा करके दोबारा मैं गुनाह करूँ, ठीक है, कुर्बानी करने वाले का जुलिजा का चांद नजर आने के बाद नाखून और बाल वगैरह ना कटवाना, 10 जुलिजा के सिवा बाकी अयाम के रोज़े रखना, क्योंकि 10 जुलिजा को ईद के रोज़ रोज़ा हराम है, वो हमारा खाने पीने का दिन होता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यौम अरफा यानी 9 जुलिजा का रोज़ा रखना, काम बढ़ जाए अगर आप कुर्बानी कर रही है, मेहमान आ जाए तो मुँह नहीं बनाना है, क्योंकि खिलाने पर बहुत ज़ोर दिया है, और ये तो हमारा एक खुशी का दिन होता है, तो इस पर ज़्यादा से ज़्यादा पकाना पड़े खिलाना पड़े तो खुशी से करें, और बिस्मिल्लाह करके करें कि अल्लाह इस पेंडेमिक से बचाना और बीमारियों से बचाना और इस खाने में बरकत डाल दे, तो अल्लाह ताला दुआओं का सुनने वाले हैं, और फिर ये तो है भी इतने मुबारक अय्याम, यौम अरफा यानी 9 जिलहज के दिन को गिड़गिड़ा के दुआ करना है और रोज़ा भी रखना है, ईद उल अज़हा यानी 10 जिलहिज्जा को कुर्बानी करना है, तकबीरात तशरीक यानी अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह अकबर वलिल्लाहिल हम्द, तकबीरात तशरीक कब कहनी है, किस दिन से शुरू करनी है, कहाँ ख़त्म करनी है, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जिसकी मेहरबानी से तमाम नेक काम पाए तकबील को पहुँचते हैं, रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंत समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंत तवाबु रहीम, बहुत ज्यादा तकबीरात बोलें, जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरन कसीरा, وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اور ہم علوم الحدیث بھی انشاءاللہ شروع کریں گے قران بھی شروع کریں گے ایک دن بھی چھٹی نہ کریں کیونکہ جب جیسے پریپیئر ہوا کیونکہ ہمارے اس ٹائم فریم میں جو بھی ہو سکے گا ہم کر لیں گے چاہے ہم بتا سکیں نہ بتا سکیں میں اور عثمان جی ٹھیک ہے हाँ वर्कशॉप 1.5-2 घंटे का होता है वो आपको जरूर बता दिया जाएगा ठीक है।
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا بدھ کو اپنا السلام علیکم تو ہمارا سیم ٹائم ہے 3 بجے ٹھیک ہے. ان شاء اللہ.